हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, विश्व के परिवहन जलमार्ग। विश्व के परिवहन जलमार्ग का अपन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन बात करते हैं कि आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सीकर क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही ऐप में हमारा लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का जो सेपरेट बैच है वो चल रहा है, और राजस्थान का अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो राजस्थान के से संबंधित जो जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें अपना एक कॉमन टॉपिक चलता है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति। तो राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित अपनी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको मात्र 49 रुपए में 51 टेस्ट हैं वो मिलने वाले हैं। ये सारे के सारे जो टेस्ट रहने वाले हैं ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहने वाली है। तो इस नाम मात्र के शुल्क में आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा, और जितनी भी जो एग्जाम्स होती हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है वो रहता है, खासकर से राजस्थान के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। चलिए अपने सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। अपना पहला जो आता है जलमार्ग वो है केप ऑफ गुड जलमार्ग। केप ऑफ गुड होप जलमार्ग। इस जलमार्ग की अगर अपन बात करें तो ये जो जलमार्ग है यानी कि यूरोप से यहां से जहाज चलते हैं और अफ्रीका के चक्कर काटते हुए यहां पर है केप ऑफ गुड होप। चक्कर काटते हुए एशिया के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे अपन कह सकते हैं भारत है या फिर ऑस्ट्रेलिया है या फिर अपन जापान के कुछ बंदरगाह या फिर चीन के बंदरगाहों से मुख्य रूप से जोड़ने का काम है, वो करता है केप ऑफ गुड होप जलमार्ग। ये जो जलमार्ग है इसका वर्तमान समय में महत्व काफी कम हो गया है। इसका मुख्य कारण क्या माना गया है, यहाँ पर एक जो नहर प्रणाली है उसका निर्माण कर दिया गया है, इसी कारण से यहाँ का महत्व काफी कम हो गया है, क्योंकि इस नहर के बन जाने के कारण से ये जो जलमार्ग है ये काफी लंबा पड़ने लग गया और इस जगह से काफी शॉर्ट है वो जलमार्ग रहता है, यानी कि लगभग अपन कह सकते हैं कि 2000 किलोमीटर से लेकर 10000 किलोमीटर का जो राउंड है वो कम हो गया है। इसी कारण से इस जलमार्ग का उपयोग है वो काफी कम किया जाने लगा है। तो नंबर दो पे अपन बात करने वाले हैं स्वेज नहर प्रणाली के बारे में। स्वेज नहर प्रणाली के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन देखते हैं कि स्वेज जो नहर है ये अपना आ गया भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ये है लाल सागर, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है स्वेज नहर। स्वेज नहर है वो इस जगह से जोड़ी गई है, यानी मिस्र के उत्तर पूर्वी जो भाग है इस उत्तर पूर्वी भाग को काट करके स्वेज नहर का निर्माण किया गया है। स्वेज नहर की लंबाई की अगर अपन बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 160 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई की अगर अपन बात करते हैं चौड़ाई है 60 मीटर, और ये जो स्वेज नहर है ये काफी कम गहरी है, गहराई है इसकी 10 मीटर। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अपन देखते हैं कि कुछ झीलें अपने को मिलती हैं। झीलों के नाम की अगर अपन बात करें तो यहां पर जो मुख्य झीलें मिलती हैं उन झीलों का नाम है टिमसा, मिंजाला, ग्रेट बिटर,
लिटिल बिटर, ये अपने को क्रम से देखने को मिलती है। जैसे भूमध्य सागर से अगर अपन चलते हैं तो नंबर एक पे अपने को जो मिलती है वो मिंजाला झील मिलती है, आगे उससे आगे मिलती है टिमसा झील मिलती है, फिर अपने को ग्रेट बिटर झील मिलती है, और उसके बाद में लास्ट में जाकर के लिटिल बिटर है वो झील मिलती है। तो यहाँ पर चार ये जो झीलें हैं वो मुख्य रूप से मिलती हैं स्वेज नहर प्रणाली के अंतर्गत। इसके बाद में भूमध्य सागर की तरफ अपन देखें, यानी इस जगह पे एक बंदरगाह है, ठीक है, दूसरा बंदरगाह है यहां पर और तीसरा बंदरगाह है यहां पर। तीन मुख्य बंदरगाह हैं या पोर्ट हैं वो अपने को इस नहर प्रणाली में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं भूमध्य सागर की तरफ जो बंदरगाह देखने को मिलता है, इस बंदरगाह का नाम है पोर्ट सैयद। इसके बाद में दूसरा जो बंदरगाह देखने को मिलता है इस जगह पे, उस बंदरगाह का नाम है पोर्ट तौफीक। पोर्ट तौफीक बंदरगाह देखने को मिलता है। तीसरा जो बंदरगाह है लाल सागर की तरफ मिलता है उसे अपन जानते हैं पोर्ट स्वेज के नाम से। ये तीन बंदरगाह हैं वो मुख्य रूप से देखने को अपने को यहां पर मिलते हैं, नंबर एक है, दो है और तीन। जो इस नहर प्रणाली में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। नहर है, इसके बनने की शुरुआत होती है 1859 में। में इसके बनने की शुरुआत होती है और ये नहर बनकर पूर्ण हो जाती है 1869 के आसपास, और अगले 100 वर्षों तक इसकी देखरेख का काम दे दिया जाता है एक फ्रांसीसी कंपनी को। डच या फ्रांसीसी जो कंपनी है उसको इसका 100 वर्षों तक देखभाल का काम दे दिया जाता है। जैसे ही 1956 आता है, 1956 में मिश्र देश ने इस पर अपना स्वामित्व जता दिया, यानी मिश्र ने इसका अधिग्रहण कर लिया था 1956 के अंतर्गत, और जो विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ है इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1967 में इसको मान्यता प्रदान कर दी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। इसको मान्यता प्राप्त कर दी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान लिया कि ये जो नहर प्रणाली है ये मिस्र देश की ही है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि यहां पर ये जो नहर है वो बनने के बाद में इस तरफ से जो व्यापार होता है, यहां से व्यापार होके जाता है यूरोपीय देशों में, पश्चिमी यूरोपीय जो देश है उन देशों में जहां जब वो जाते हैं इस जगह से ऐसे, तो यहां से जो व्यापार किया जाता है इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि जो कौवा है, कॉफी है या फिर गेहूं है वो मुख्य रूप से यहाँ पे भेजे जाते हैं, जबकि यूरोप से इस जगह पे जो भेजे जाते हैं वो यंत्र हैं, जैसे मशीनीकरण है, मशीन है काफी, वो इस जगह इन जगहों पे भेजे जाते हैं। तो ये जो जलमार्ग है, इस जलमार्ग की एक मुख्य खास विशेषता क्या है कि यहाँ पे टैक्स है वो बहुत ज्यादा लिया जाता है, इसी कारण से जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं उनका व्यापार मुख्य रूप से यहां से किया जाता है। अगर कोई वस्तु जल्दी खराब नहीं होने वाली है तो आज भी ये व्यापार है वो केप ऑफ गुड होप से ही किया जाता है, यानी इस लंबे रूट से व्यापार किया जाता है। इसके बाद में समुद्री जो लुटेरे हैं, इन समुद्री लुटेरों का डर है वो यहाँ पर कम हो गया है, तो इसी कारण से इस जगह से काफी कम व्यापार किया जाता है और भारी वस्तुओं का व्यापार है वो केप ऑफ गुड होप से किया जाता है। तो स्वेज जो नहर प्रणाली है वो बन जाने के बाद में अपन देखते हैं कि
जो अपना एशियाई देश है उन एशियाई देशों में व्यापार का जो ट्रेंड है वो काफी चेंज हुआ है। नेक्स्ट अपनी जो जलमार्ग आता है उसकी अगर अपन बात करें तो वो है अपना उत्तरी प्रशांत जलमार्ग। उत्तरी प्रशांत जलमार्ग है उत्तरी प्रशांत जलमार्ग। उत्तरी प्रशांत जो जलमार्ग है वो मुख्य रूप से यहां पे ये जो देश दिखाई दे रहे हैं यह यूएसए, यह कनाडा, यह नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा और यह साउथ अमेरिका। यहां पर है अपना यूरोप और यहां पर है एशियाई देश है और यह हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो दूरी है यानी यहां की ये जो है वो जापान है। यहां से कोई भी जो जहाज है वो अगर सीधा अमेरिका तक जाता है तो काफी लंबी दूरी हो जाती है। तो यहां पर एक द्वीप समूह है जिसे अपन होनोलुलु द्वीप के नाम से जानते हैं। तो यहां से जो जितने भी जहाज चलते हैं एशियाई देशों से, यूरोपीय देशों से या ऑस्ट्रेलिया से, वो सारे के सारे जो जहाज हैं उनका मिड भी अपने को यहां पर मिलता है। और ऐसे ही अमेरिका से आने वाले जो जहाज हैं उनका मिड वे भी अपने को यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत इस द्वीप समूह का महत्वपूर्ण प्रयोग किया जाता है आंतरिक जो सॉरी महासागरीय जलमार्गों के रूप में। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये जो जलमार्ग है वो इम्पोर्टेंट है और इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू एवरीवन।